1666 में आज ही के दिन सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गोविंद सिंह को सैन्य जीवन के प्रति लगाव अपने दादा गुरु हरगोविंद सिंह से मिला था और उन्हें महान बौद्धिक संपदा भी उत्तराधिकार में मिली थी। वे बहुभाषाविद थे जिन्हें फारसी, अरबी, संस्कृत और अपनी मातृभाषा पंजाबी का ज्ञान था। उन्होंने सिख कानून को सूत्रबद्ध किया, काव्य रचना की और सिख ग्रंथ दसम ग्रंथ लिखकर प्रसिद्धि पाई। उन्होंने देश, धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सिखों को संगठित कर सैनिक परिवेश में ढाला। गुरु गोविंद सिंह खुद एक ऐसे महापुरुष थे जो धर्म और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए गुरु तेग बहादुर सिंह जी के यहाँ अवतरित हुए थे। 1972 में आज ही के दिन चिली की वायुसेना को 2 महीने पहले अर्जेंटीना में दुर्घटनाग्रस्त हुए एक विमान के 14 लोग बचे मिले थे। यह विमान 13 अक्टूबर को उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो से चिली के सेंटियागो के लिए निकला था। खराब मौसम की वजह से विमान को बर्फीली घाटी में उतारना पड़ा था। इस दुर्घटना में किसी के भी बचे होने की खबर सबसे पहले तब आई जब 2 लोग एक दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त से निकलकर लोगों तक पहुंचे। रॉबर्टो कनेसा और फर्नांडो पराडो ने इसके बाद आपातकालीन सेवाओं से संपर्क किया और उन्हें मलबे तक पहुंचाया। इसके बाद बचे हुए 6 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए सैन फर्नांडो में एक अस्पताल ले जाया गया। ठंड और भूख का सामना करते हुए 19 वर्षीय रॉबर्टो कनेसा और 21 वर्षीय फर्नांडो पराडो बाकी लोगों को बचाने की कोशिश में लगे रहे थे। 2000 में आज ही के दिन अमेरिकी पॉप स्टार मैडोना ने ब्रिटानी फिल्म निर्देशक गाय रिची से शादी की थी। शादी के समारोह से पत्रकारों और आम लोगों को दूर ही रखा गया था। कार्यक्रम में आने वाले लोगों में स्टिंग और उनकी पत्नी ट्रूडी स्टाइलर थी। अभिनेत्री ग्विनेथ पाल्ट्रो मेड ऑफ ऑनर भी शामिल थी। इन लोगों के अलावा रूपर्ट एवरेट और फैशन डिजाइनर स्टेला मकार्टनी और डोनाटेला वर्साचे भी वहां मौजूद थे। शादी के समय मैडोना 42 साल की थी और गाय रिची उनसे 10 साल छोटे थे। शादी से एक दिन पहले सैकड़ों लोग उस चर्च के पास पहुंचे थे जहां मैडोना अपने बच्चे के साथ उसके बैप्टिज्म के लिए गई थी। 2010 में आज ही के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने समलैंगिकता से जुड़े कानून पर दस्तखत कर सेना में समलैंगिकों के लिए रास्ता साफ कर दिया था। इससे पहले तक 1993 में लागू हुए डोंट आस्क डोंट टेल कानून के चलते समलैंगिक सैनिकों को अपनी लैंगिकता छिपाने को मजबूर होना पड़ता था। इस प्रतिबंध के रहते समलैंगिकों के लिए सेना में कोई स्थान नहीं था। इस प्रकार उनके समलैंगिक होने की बात सामने आने पर उन्हें सेना से भी निकाल दिया जाता था। साल 1993 से 2010 तक कानून के तहत 13,000 से ज्यादा लोगों को सेना से निकाला गया था। ओबामा ने एक बयान में कहा था कि आज हमसे मत पूछो मत बताओ कि भेदभाव वाले कानून को मिटाने के लिए अंतिम और महत्वपूर्ण कदम उठाया है या कानून अमेरिका के निष्पक्षता और समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। और 2012 में आज ही के दिन महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की याद में आज का दिन राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया गया था। चेन्नई में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की 125वीं वर्षगांठ के मौके पर रामानुजन को श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्रीय गणितज्ञ वर्ष घोषित किया था। इस दिन गणित के संबंध में अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं। हालांकि उनकी वर्षगांठ के मौके पर मनमोहन सिंह ने देश में योग्य गणितज्ञों की संख्या कम होने पर भी चिंता जाहिर की थी। रामानुजन की गणना आधुनिक भारत के उन व्यक्तित्वों में की जाती है जिन्होंने विश्व में नए ज्ञान को पाने और खोजने की पहल की थी। अपने महान गणितीय अवदान के लिए रामानुजन को गणितज्ञों का गणितज्ञ भी कहा जाता है। ब्रिटिश गणितज्ञ प्रोफेसर हेरोल्ड हार्डी ने उस वक्त के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को 100 के पैमाने पर आका था। ज्यादातर गणितज्ञों को उन्होंने 100 में से 60 अंक दिए थे, लेकिन रामानुजन को उन्होंने 100 में से पूरे 100 अंक दिए थे।